पूरे नागरिकों को, तेलंगाना समाज के पूरे नागरिकों को दो हाथ जोड़ के विनम्रपूर्वक अपील करता हूं कि कोई इसमें आके आपको बोलने की जरूरत नहीं चाहिए। आप अपने आप में स्वयं नियंत्रित कीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे से कोई भी बाहर मत निकलिए। 60 साल के ऊपर जो लोग हैं वो निकले ना कुछ हफ्तों तक, और 10 साल के नीचे जो छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं निकले कुछ हफ्तों तक। कल तो ऑटो से लेकर आरटीसी हमने बंद किया, मेट्रो रेल बंद किया, हर सहूलत बंद किया, सिवाय दूध, मेडिसिन, पुलिस सेवाएं, हमारे पत्रकार लोग, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, ऐसे चीज ऐसे सेवाएं उपलब्ध होंगे, दवाखाने खुले रहेंगे, बाकी हर चीज बंद किया जाएगा। इसलिए मैं हर एक शहरी से, हर एक नागरिक से प्रार्थना करता हूं, कृपा करके अपने घर में सीमित रहे, कल बाहर नहीं निकले। और तेलंगाना एक अच्छा समाज है, हम 60 साल लड़के हमारा राज्य को हासिल किए, जो ताकत उस समय हम बताए, अब वक्त है हमारे लिए कि हम अपने यूनिटी बताए। और कल 5 बजे प्रधानमंत्री जी का जो अपील है उसको लेके, उसका आदर करते हुए सारे नागरिक अपने घर के सामने आए, अगर अपार्टमेंट है तो अपने बालकनी में आए, एक 2-4 मिनट के लिए ताली बजाए, वो हमारा संगठित शक्ति का एक प्रतीक होता है, हमारा ताकत का एक प्रतीक होता है। हमारा देश, हमारा भारत समाज कितना मिले जुले हुए है, किसी भी चीज का किस प्रकार का एकत्रित होकर हम सामना कर सकते हैं, उसका एक सिंबल होगा। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री का जो अपील है उसको आदर कीजिए, उसको सम्मान कीजिए, और सम्मानित, पूरे सम्मानित नागरिक है हम लोग, पूरे सम्मान के साथ हम उसका आदर करें।